लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है। भोपाल के विजय राघवगढ़ से पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस नेता ध्रुव प्रताप सिंह ने सोमवार को कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी। बता दें कि कटनी के भारतीय जनता पार्टी से अनेक उच्च पद में रहे ध्रुव प्रताप सिंह ने मई में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन आज फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी इच्छा शक्ति नहीं है, जमीनी स्तर पर भी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई तैयारियां नहीं दिख रही हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ कद्दावर नेता ध्रुव प्रताप सिंह की बुआ के बेटे उत्तर प्रदेश विधान परिषद अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह उनके बीजेपी छोड़ने के निर्णय से नाखुश थे, जिन्होंने इसको लेकर कई बार अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देना चाहता हूं और भविष्य में अभी न्यूट्रल रहेंगे हम। ऐसा क्या कारण है कि आप आज कांग्रेस से त्याग पत्र देना चाहते हैं? एक तो राम पूरे देश के आराध्य हैं, दुनिया के, तो उसमें इतना विरोधाभास हुआ तो उससे मन खराब हुआ मेरा, और तभी मैंने मन मना लिया था कि आगे चल के हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस समय हम सक्रिय थे और लगभग हम 4 दिन सेंट्रल जेल जबलपुर और कटनी दोनों में रहे हैं, और आज जब सफलता मिली तब हम अलग से महसूस हुए, अलग मतलब हम अलग हैं।